धमाकेदार सीरियल बिग बॉस 16 के फिनाले में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। एक दिन बाद सभी दर्शकों को बिग बॉस 16 का विजेता मिल जाएगा। हालांकि इस बार ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी इस पर कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें, बिग बॉस में हर बार एक कॉन्सेप्ट होता है कि फाइनलिस्ट में से एक को किसी भी कंटेस्टेंट में से पैसे का भरा बैग लेकर फिनाले रेस से बाहर होना होगा। दोस्तों, बीते सीजन में पारस छाबड़ा से लेकर निशांत भट्ट तक ये कदम उठा चुके हैं। ऐसे में अब इस सीजन में लेकर ये अटकलें खेली जा रही हैं कि कौन पैसे से भरा बैग फिनाले से लेकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार नजर डाल लेते हैं उन कंटेस्टेंट पर जिन्होंने पहले ही सीजन के अंदर फिनाले से बाहर निकल पैसों का बैग अपने नाम कर लिया है। पहले नंबर पर रहेंगे दोस्तों मनु पंजाबी, जिन्होंने बिग बॉस 10 में सबसे पहले अपना ग्रैंड फिनाले छोड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें, उन्हें बानी और मनवीर गुर्जर से कम ही वोट मिले थे, जिसकी वजह से उनका फैसला ये बिल्कुल सही निकला। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रहेंगे दीपक ठाकुर। बिग बॉस 12 में दीपक ठाकुर ने 20 लाख रुपए लेकर फिनाले की रेस छोड़ दी थी। उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ क्योंकि उन्हें दीपिका कक्कड़ और सुशांत से कम ही वोट मिले थे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर रहेंगे पारस छाबड़ा, जिन्होंने बिग बॉस 13 से 10 लाख रुपए का भरा ब्रीफकेस लेकर फिनाले से रेस छोड़ दी थी। उन्हें भी ये हासिल हुआ क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल से कम ही वोट मिले थे, जिसकी वजह से इनका ये फैसला सही निकला। चौथे नंबर पर रहेंगी दोस्तों राखी सावंत, जिन्होंने बिग बॉस 14 में 14 लाख से भरा सूटकेस लेकर अपनी फाइनलिस्ट की जगह त्याग दी। आपको बता दें, इस सीजन में भी इनका फैसला बिल्कुल सही निकला क्योंकि रुबीना दिलिक से इनके वोट कम ही थे। पांचवे नंबर पर रहेंगे दोस्तों निशांत भट्ट, जिन्होंने बिग बॉस 15 में 10 लाख रुपए का पैसा लेकर फिनाले की रेस से बाहर निकलना ठीक समझा। कहीं ना कहीं उनका फैसला भी सही साबित हुआ क्योंकि उनके वोट तेजस्वी प्रकाश से कम ही थे। तो बात करें बिग बॉस 16 की, तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि इस बार सूटकेस को कौन लेकर जाएगा। लोगों का कहना है कि टॉप 3 के अंदर एमसी स्टैन, प्रियंका चहर चौधरी और शिव ठाकरे ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रीफकेस को या तो शालीन भनोत लेके जाएंगे या फिर अर्चना गौतम। अब देखना यह है कि इन दोनों में से किसके नाम होता है ब्रीफकेस और किसके नाम होता है ट्रॉफी। तो दोस्तों, ये थे कुछ नाम जिन्होंने ब्रीफ केस को अपने नाम कर ट्रॉफी को अपने पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।